आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर उत्तरी कश्मीर के हदवारा से, जहां अडूरा मावर इलाके में रहने वाले मोहम्मद रफीक वार ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका ट्रैक्टर 7 नंबर 2017 में चोरी हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला ट्रैक्टर बड़गांव में खालिद नाम का व्यक्ति चला रहा है। पूछताछ से पता चला खालिद ने ट्रैक्टर मोहम्मद रफीक से खरीदा है। पुलिस ने जांच कर शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक वार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जानकारी कलामाबाद SDPO ने दी। आइए सुनते हैं। ये आदमी रहता है, 7 नवंबर 2017 को ये पुलिस स्टेशन कलामाबाद में कंप्लेंट करता है कि इसका एक ट्रैक्टर जो है वो चोरी हो गया। उसी असना में इसकी कंप्लेंट को लेते हुए पुलिस स्टेशन कलामाबाद में एक FIR नंबर 69/2017 अंडर सेक्शन 379 RPC जो है वो लॉज होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये ट्रैक्टर जो है ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जो है वो कोई इस ट्रैक्टर को चला रहा है। जब हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में अप्रोच करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे एक हमीद जू नामी आदमी जो है उसने इस ट्रैक्टर को लिया था और उसने ये ट्रैक्टर मोहम्मद शफी मलिक नाम आदमी से लिया था जो बड़गाम का रहने वाला था। और जब हमीद जू ने मोहम्मद शफी मलिक से इस ट्रैक्टर के पेपर्स मांगे, मोहम्मद शफी मलिक इसके पेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया। उसी रिप्लाई में हमीद जू जो है वो इस ट्रैक्टर को वापस कर देता है। मोहम्मद 2018 को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर अभी भी जो है वो बड़गाम में है। हम बहुत जल्दी वहाँ पे पार्टी रवाना करने वाले हैं। जो ये थी न्यूज डेस्क से कमीर लानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। वादी कश्मीर में बागवालों का आजमाया और परखा हुआ ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट्स का पावर प्लांट DF ऑर्गेनिक स्प्रे ऑयल, जो ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी इश्तराक के साथ लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी और टॉप क्वालिटी एडजुवेंट से तैयार किया गया है। अपने बागात को संजू स्केल, रेड माइट और वूली एफिड्स से बचाव के लिए छिड़काव करें पावर प्लांट DF ऑर्गेनिक स्प्रे ऑयल। ग्रीन प्लेनेट के हर ऑथराइज्ड सेंटर पर दस्तियाब है। इससे माहौल और पेड़ पौधों पर कोई बुरा असर नहीं होता। DF ऑर्गेनिक स्प्रे ऑयल कॉस्ट से तस्लीम शुदा है।